नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास मजबूत मनोबल होता है, और जिनके पास मजबूत मनोबल होता है उनका कोई समस्या कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही कारगर और साकार विषय है। दोस्तों ये क्रिया शास्त्र सम्मत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं 11 मार्च 2021 गुरुवार महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की शादी का दिन है। मतलब इस दिन भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। उसी उपलक्ष में इस पर्व को मनाया जाता है। और इस दिन आप भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा करेंगे, कहा जाता है शिवलिंग के ऊपर आप जिस चीज को चढ़ाएंगे उन सबके अलग अलग महत्व हैं, और अलग अलग फल की प्राप्ति के लिए अलग अलग चीजों का अभिषेक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल में जो भी पहली बार मुलाकात ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। दोस्तों ये शिवरात्रि 11 तारीख को शुरू हो रही है, और 11 तारीख को आपको सुबह सुबह नहा धो के स्वच्छ होके, पहले भी मैंने दो वीडियो इसी सब्जेक्ट पे बनाई है, पर वो पूजा मैंने शिवालय में बताई है, वो पूजा शिवालय में ही होगी, लेकिन ये पूजा आप अपने घर पे कर सकते हैं। दोस्तों तो ये पूजा आप अपने घर पे अपने पूजा स्थान में, अगर आपने कोई छोटा सा शिवलिंग लाके रखा है तब तो बहुत ही बेहतर है। तो आपको अपने घर में ये कर लेनी है। एक लोटा में थोड़ा दूध और पानी मिक्स कर लेना है आपको, उससे पहले वो अपने पास रख लेना है। और दोस्तों आपको अपने शिवलिंग को किसी थाली में या बड़ी डिश में रख लेना है, नला धुला के। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, भगवान भोलेनाथ का एक घी का दीपक जला देना है, दो अगरबत्ती लगा देना है। बैठना दोस्तों आसनी पे, मैंने बहुत बार बताया है कि जमीन पे बैठ के कोई भी अनुष्ठान या कोई भी पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए आपको आसनी पे ही बैठना है, आसनी बिछाते और भगवान भोलेनाथ के सामने आपको बैठ जाना है शिवलिंग के सामने। अगर आपको धन की आवश्यकता है, मतलब पैसे की आवश्यकता है, और पैसे के लिए अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप एक भगवान भोलेनाथ की लघु रुद्री है, लघु रुद्री के अंदर 11 श्लोक हैं, वो 11 श्लोक आपको बोलने हैं। आप या तो गूगल में सर्च करेंगे तो आपको 11 श्लोक मिल जाएंगे, या फिर कहीं से आप जहां मंदिरों के आसपास जो धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं वहां से कोई एक पुस्तक ले लें जिसमें लघु रुद्री हो, लघु रुद्री बोलेंगे तो आपको पुस्तक ले देगा। हर एक श्लोक पे आपको 11 बेली पत्र ले लेने हैं, बेली के पत्ते, पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए दोस्तों, और पत्ता ऐसे आपको हाथ में लेना है, और घी का उसमें तीनों पत्ते में एक एक टिपका लगाना है। घी लगा के अगर आप बेली पत्र हर श्लोक बोलते हुए एक श्लोक पे एक पत्ता, ऐसे आपको 11 बेली पत्र 11 श्लोक पे चढ़ा देने हैं,
एक एक श्लोक बोलना है और एक एक पत्ता चढ़ाते जाना है। घी लगाना ना भूले, घी लगा के बेली पत्र चढ़ाने से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। उसमें आपकी नौकरी, बिजनेस, धंधा सब कुछ आ गया। जब नौकरी या धंधा होगा तो पैसे आएंगे ना, इसलिए उसके लिए अलग से कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। 11 बेली पत्र घी लगा के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है और लघु रुद्री का एक श्लोक बोलते जाना है। एक श्लोक एक बेली पत्र, दूसरा श्लोक दूसरा बेली पत्र, 11 बेली पत्र आपको चढ़ा देने। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी को पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए दोस्तों आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं, साबुत चावल होने चाहिए। एक श्लोक बोलते हुए और एक चावल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। क्या करना है? एक श्लोक और एक चावल आपको चढ़ाना है तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य हो जाएगी दोस्तों। आपको संतान का सुख 100% मिलेगा। अगर किसी की शादी में बाधाएं आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, बात चलती है, ऐसा लगता है कि ये शादी फाइनल हो जाएगी और बात चलते चलते कहीं बीच में से डिस्प्यूट हो जाता है और वो शादी रुक जाती है, वहीं चल जाती है, टूट जाती है, तो जिन लोगों को शादी के लिए अगर पूजा करनी है भगवान भोलेनाथ की, तो आपको 11 साबुत धान ले लेने हैं। धान मतलब जो डांगर आती है जिसमें से चावल निकलता है, और वो धान आपको 11 पहले से अगर आज करके रख लें तो अच्छा होगा। शिवरात्रि के एक दिन पहले आप उसको कंप्लीट करके रख लें। वो 11 धान तो आपको ज़्यादा लेने हैं और अपने हाथों से छील के चावल निकालने हैं। दोस्तों याद रहे, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, चावल टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो उसको साइड रख दीजिए। अखे 11 चावल मतलब साबुत चावल आपको निकाल लेने हैं धान में से, अपने हाथ से छील के, और वो चावल एक श्लोक लघु रुद्री का और एक चावल आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। जैसे 11 श्लोक बोलते हुए 11 चावल आपको चढ़ा देने हैं, आपकी शादी में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपकी शादी 100% हो जाएगी, मन चाही जगह हो जाएगी। ये आपको भगवान भोलेनाथ को ये लघु रुद्री पूरी होने के बाद आपको मन ही मन बोलना है। आप जहां चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, उससे आपकी शादी हो जाएगी। चौथा दोस्तों, आपको 11 गुलाब के फूल लेने हैं, खिले हुए फूल होने चाहिए, बहुत ही स्वच्छ सुंदर। और आपको एक श्लोक के साथ एक फूल का अभिषेक करना शिवलिंग के ऊपर। एक श्लोक बोले लघु रुद्री का और एक गुलाब का फूल चढ़ा दें। ऐसे आपको 11 फूल 11 श्लोक के साथ चढ़ा देंगे। गुलाब चढ़ाने से दोस्तों आपकी मिलकत में बढ़ोतरी होगी। आप जमीन, मकान, दुकान, शेड जो भी खरीदना चाहते हैं, आपकी मिलकत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, तो आपके पास मिलकत आने लग जाएगी और आप सक्षम होते चले जाएंगे। तो ये पूजा महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। इस पूजा को कोई भी कर सकता है। किसी भी राशि का जातक इस पूजा को कर सकता है। दोस्तों ये पूजा कभी खाली नहीं जाएगी, बशर्ते आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ के सामने
अपने आप को समर्पित कर देना है। आपके अंदर भाव ये होने चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो है आप हैं, मेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं। दोस्तों ये आप करने के बाद जो आपने पानी मिला के, पानी में जो दूध मिला के रखा है लोटा में, लास्ट में आपको वो लोटा हाथ में लेके शिवलिंग के ऊपर जल और दूध का अभिषेक कर देना है। दोस्तों आपकी पूजा पूरी हो गई और इस पूजा का फल आप जैसे मैंने बताया जो चीज चढ़ा के करेंगे उस फल की प्राप्ति आपको 100% होगी। और आप अगर ये जितना मैंने बताया चार चीजें चढ़ा के अगर कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास वो सारी सिद्धियां होंगी जो मैंने इसमें बताई। तो चलिए दोस्तों इसको करने या समझने में अगर कहीं आपको कोई असुविधा होती है तो पूछ रहे बस। नमस्कार।